जय महाकाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है असम राइफल में जो आप लोग की ट्रीटमेंट टेक्निकल की वैकेंसी निकल के आई, जिसकी जानकारी आप लोगों को पहले ही दी गई थी। बिल्कुल रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आ चुकी है, लेकिन वैकेंसियां कम है, इसको लेकर के स्टूडेंट परेशान है। तो देखिए, किसी प्रकार की परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि असम राइफल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आए आप लोग को जानकारी लग सके। जी हाँ, चलिए अभी बात करते हैं जो 161 वैकेंसी निकल के आई है, इसको लेकर के भी स्टूडेंट कंफ्यूजन में है। सर, मैं इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है? तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को असम राइफल का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोग भर्ती देख पाएंगे। यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे 161 टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है, 161 टोटल वैकेंसी है। नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं 21 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो वैकेंसी है आप लोग की, पर्सनल असिस्टेंट, रिलीजियस टीचर, लाइनमैन, फील्ड रिकवरी, व्हीकल मैकेनिक, ब्रिज एंड रोड, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, प्लम्बर, सर्वेयर, आईटीआई, एक्सरे असिस्टेंट की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है। तो वैकेंसी की डिटेल लेते हुए, एज वगैरह आप लोग देखते हुए, क्वालिफिकेशन वगैरह, फीस वगैरह की डिटेल आप लोग को दी। ग्रुप बी की पोस्ट है तो आप लोग की 200 रुपये फीस लगने वाली जनरल ओबीसी की, फीमेल एससी एसटी को कोई फीस नहीं देनी है। ग्रुप सी की वैकेंसी है तो 100 रुपये फीस लगेंगे जनरल ओबीसी के, और फीमेल एससी एसटी को कोई फीस यहाँ पे नहीं देनी होती है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आप लोग को बताया गया, दीपू, करीबंगा, सुखोवी, दीमापुर, सिलचर, हाफलोंग, जोरहाट, लिटकोर में आप लोग का जो है यहाँ पे आगे का प्रोसेस होने वाला है, फिजिकल रिटर्न वगैरह। तो ये सब डिटेल आप लोग लेते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप लोग को फुल नोटिफिकेशन का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप लोग फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी होनी चाहिए, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या बिना मतलब ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप लोग को डिटेल दी गई। जी यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को फिजिकल ही होने वाला है, फिजिकल के बाद आप लोग का जो ट्रेड है, ट्रेड के बाद रिटर्न, रिटर्न के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होता है। चलिए, पूरी डिटेल आप लोग को दी गई है, ये सब कुछ आप लोग रीड करेंगे। रीड करने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये पॉइंट है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी आप लोग को। क्वालिफिकेशन से लेकर के एज तक की कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग की जो वैकेंसी है, मीन्स पोस्ट है, यहाँ पे ट्रेड है पर्सनल असिस्टेंट। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रैंक आप लोग की वारंट ऑफिसर की रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप लोग की होने वाली है वो इंटरमीडिएट, या फिर आप लोग इसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, या फिर 10+2 एग्जामिनेशन आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने कर रखा हो रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आप लोग का स्किल टेस्ट आप लोग का होने वाला है, ध्यान रखिएगा, स्किल टेस्ट, डिक्टेंशन 10 मिनट, 50 मिनट, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, ठीक है। तो ये आप लोग का जो है स्टेनो आप लोग का होने वाला है, बिल्कुल क्लियर मैं आप लोग को कर दूं। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग का स्किल टेस्ट होने वाला है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 12+ स्किल टेस्ट है, यानी कि स्टेनो का ज्ञान है, तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। 18 से 25 साल एज रहने वाली है जनरल कैंडिडेट को, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। इसी प्रकार से रिलीजियस टीचर की वैकेंसी है, इसको लेकर के भी स्टूडेंट परेशान है। तो देखिए, मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रैंक आप लोग की नायब सूबेदार की रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए विथ माध्यमा इन संस्कृत और भूषण इन हिंदी। यानी कि देखिए, माध्यमा क्या है? माध्यमा एक पाठ्यक्रम है, एक डिग्री है, जो कि भारत में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित शिक्षा, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है यहाँ पे प्रणाली के अनुसार इसको करवाया जाता है। ठीक है, तो ये एक कोर्स है, पाठ्यक्रम है, डिग्री है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कर रखा है तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। जी हाँ, संस्कृत शिक्षा बोर्ड की प्रणाली के अनुसार उनके द्वारा यहाँ पे ये कराया जाता है, तो ये आप लोग के पास होना चाहिए। ग्रेजुएट विद मध्यमा इन संस्कृत, तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। एज आप लोग 18 से 23, यानी कि जनरल ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट। आपके स्टेट में वैकेंसी है नहीं, इसकी डिटेल आप लोग को देखनी पड़ेगी। चलिए, इसी प्रकार से लाइनमैन फील्ड की आप लोग की वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। राइफल मैन आप लोग की रैंक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी है तो 10th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में आप लोग के पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। जी हाँ, जिसमें मांगा गया है उसी में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। 18 से 23 साल एज है जनरल वालों की, ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी है, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए ही है। रैंक आप लोग की, यानी कि राइफल मैन की रैंक रहेगी। क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास आईटीआई होना चाहिए रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में,
या फिर रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर में, इन दोनों में से ही किसी में होना चाहिए, इसके अलावा किसी और में नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा, बच्चे बोलते हैं सर मैंने आईटीआई इसमें कर रखी है उसमें कर रखी है, मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, जिसमें मांगा गया है उसमें ही आप लोग अप्लाई करेंगे जी। इसके अलावा एज आप लोग की 18 से 25 रहेगी जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, एसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। चलिए इसी प्रकार से आप लोग की ट्रेड है ब्रिज एंड रोड की, तो मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रैंक आप लोग की जो रहेगी वो नायब सूबेदार की रहेगी। क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो 10th क्लास या मैट्रिक आप लोग होने चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी, और बी आप लोग के पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक के साथ साथ आप लोग के पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो ही आप लोग ब्रिज एंड रोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। हाँ, 10th प्लस डिप्लोमा आप लोग के पास होना चाहिए और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। एज आप लोग की 18 से 23 साल जनरल, ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जानकारी आप लोग को दे रहा हूँ जी। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नायब सूबेदार की रैंक आपकी रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाए तो बैचलर डिग्री आप लोग के पास है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, यानी कि आप लोगों ने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में या फिर आप लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में, तो ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और ट्रेड में आप लोगों ने बीटेक बीई वगैरह कर रखा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में ही आप लोग के पास बीई या बीटेक होना चाहिए। चलिए, एज आप लोग के 18 से 30 साल रहने वाली है, यहाँ पे जनरल ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ट्रेड है ड्राफ्टमैन की, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। रैंक आप लोग की रहेगी वारंट ऑफिसर की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे 10+2 या फिर इसकी इक्विवेलेंट आप लोगों ने कर रखा है, 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है, 10+2 या इसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कुछ कर रखा है, और साथ में 3 ईयर का डिप्लोमा आप लोग के पास होना चाहिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में, तो ही आप लोग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं जी। हाँ, 10+2 यानी कि 12th आप लोगों ने कर रखा है और 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है आप लोगों ने आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में, तो ही आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, नहीं तो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ट्रेड है आप लोग की प्लम्बर की, रैंक आप लोग की रहेगी राइफलमैन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते, साथ में आप लोगों ने आईटीआई कर रखा हो प्लम्बर ट्रेड में। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि किसी और में कर रखा हो, प्लम्बर में कर रखा तो ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 23 साल जनरल, ओबीसी यहाँ पे 18 से 26 साल, एससीएसटी यहाँ पे 18 से 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 3 साल और 5 साल का बेनिफिट रहता है। सर्वेयर आईटीआई की वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीजों का भी ध्यान रखेंगे। हवलदार की आप लोग की रैंक रहेगी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई आप लोग के पास होना चाहिए सर्वेयर में जी हाँ, यानी कि 10th+ सर्वेयर में आईटीआई कर रखा है तो ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी और ट्रेड में आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है तो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। 20 से 28 साल एज जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, एससीएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट ट्रेड जो है आप लोग की वो है यहाँ पे एक्सरे असिस्टेंट की, इसमें मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और हवलदार की आप लोग की रैंक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग 10+2 विथ डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, यानी कि 12th आप लोगों ने कर रखा है, इंटरमीडिएट बोलिए 10+2 बोलिए 12th बोलिए तो आप, और साथ में आप लोगों ने कर रखा है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी में, तो ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12th+ आप लोग के पास डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी होना चाहिए तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। जनरल की एज 18 से 23 साल है, ओबीसी को 3 साल का, एससीएसटी को 5 साल का बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जानकारी दी गई है जी हाँ, वैकेंसी पूरी जितनी थी आप लोग को यहाँ पे दे दी गई है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कर दी गई है के तक। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है, 10th पास और 12th पास के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ओनली आप लोगों ने 10th कर रखा है, ओनली आप लोगों ने 12th कर रखा है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी आप लोग की 161 वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग के पास आईटीआई होना चाहिए जिस ट्रेड में मांगा गया है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीई बीटेक है, तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल है जी हाँ। फर्स्ट ट्रेड है आप लोग का पर्सनल असिस्टेंट का, तो इसमें आप लोग को स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए इंटरमीडिएट के साथ साथ, तो ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और रिलीजियस टीचर में आप लोगों को मैंने बता दिया, ग्रेजुएट आप लोगों ने मध्यमा इन संस्कृत कर रखा है तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इस प्रकार से 10th और 12th वालों के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहले आप लोग की पर्सनल असिस्टेंट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप लोग को स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, 10th और 12th वालों को अभी वेट करना होगा, आने वाले समय में जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोग को दी जाएगी। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर, जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगा इसी चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग के लिए आते रहे। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।